नमस्ते दोस्तों, आपका स्वागत है मेरे YouTube चैनल हिटशॉट फिल्म में। आज के इस पार्ट में मैं आपको बताने वाला हूँ लैपटॉप एडाप्टर के बारे में। तो लैपटॉप एडाप्टर के बारे में आज आपको मैं ऐसी जानकारी दूंगा कि लैपटॉप एडाप्टर खराब क्यों हो जाता है, क्यों जल्दी खराब हो जाता है, या फिर लैपटॉप एडाप्टर में क्या क्या खराबी आ सकती है और क्यों आ सकती है, ये आपको जानकारी देना मैं आज चाहूँगा। देखिए, लैपटॉप एडाप्टर का जो कंपोनेंट्स होता है उसके अंदर जो कैपेसिटर्स होते हैं या फिर उसके जो मॉस्फेट्स होते हैं, जो भी पावर रेगुलेटर्स होते हैं, तो ये खराब क्यों हो जाते हैं। देखिए, खराब होने के कारण ऐसे हैं कि जैसे एक तो आप एडाप्टर को कंटिन्यूसली चालू रखते हैं, मतलब जब हम लैपटॉप का चार्जिंग के लिए रख देते हैं तो वो कंटिन्यूसली चालू रहता है वो, तो ये भी एक कारण उसका हो सकता है। क्योंकि देखिए, अगर आपके यहाँ पे अगर वोल्टेज का फ्लैक्चुएशन ज़्यादा है तो भी आपका एडाप्टर खराब हो सकता है। तो आपको मतलब ये चीज़ आपको ध्यान में रखनी है, अगर आपके पास वोल्टेज फ्लैक्चुएशन ज़्यादा है तो एडाप्टर को आपको क्या करना है कि चार्जिंग के लिए आप रखते हो तो 4 घंटा या 5 घंटा, ठीक है, 4 आवर एंड 5 आवर्स, उससे ज़्यादा आपको नहीं रखना है। ठीक है, 5 5 घंटा तक अगर आप चार्जिंग करते हैं तो भी आपका लैपटॉप चार्ज हो जाता है आराम से मैक्सिमम। वैसे तो 3 4 घंटे, 3 घंटे, 2 3 घंटे ही लगते हैं, उससे ज़्यादा नहीं लगते हैं, लेकिन फिर भी अगर आप रखते हैं तो मैक्सिमम इतना रखना है आपको, उससे ज़्यादा नहीं। मतलब बहुत सारे लोग ऐसे रात भर रख देते हैं, सुबह वो निकाल कर काम पर चले जाते हैं, ठीक है, लेकिन आपको ऐसे नहीं करना है। आपको क्या करना है, मतलब चार, अगर आपको देखो अगर आप कंटिन्यूसली काम कर रहे हैं तो आप लगा के रख सकते हैं, ठीक है, आप उसको लैपटॉप को लगा के रखते हैं, लेकिन अगर आपका काम खत्म हो जाए तो आप लैपटॉप बंद कर देते हैं, उसके बाद आपको चार्जर भी, उसका एडाप्टर का सप्लाई भी आपको बंद कर देना है, ठीक है। और जब आप लैपटॉप ऑन करते हैं तो अगर ऑन करते हैं तब भी अगर आप उसे शुरू कर देते हैं तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन आप लैपटॉप ऑफ है आपका और फिर भी आपका चार्जिंग शुरू है तो भी मतलब वो बहुत, जैसे 7 घंटा, 10 घंटा, 15 घंटा उसको चालू रखना, ये भी थोड़ा सा मैं बोल सकता हूँ कि ये गलत हो सकता है। इससे आपका ये नहीं कि उसमें डायरेक्टली खराब ही हो जाए, लेकिन एडाप्टर का जो लाइफ है आपका, वो लाइफ आपका कम हो जाएगा, ठीक है। अगर आपको लाइफ बढ़ाना है उसका तो मैं जैसे बोल रहा हूँ कि 5 6 घंटा तक उसको आपको चार्जिंग के लिए रखना है, उससे ज़्यादा नहीं रखना है, ठीक है। और उसके बाद ये आपका एडाप्टर है, ठीक है, ये आपका एडाप्टर है, और ठीक है, ये आपका एडाप्टर है, और इस एडाप्टर का ये जो वायर है आप देख सकते हैं, ये जो वायर है, ठीक है, इस वायर को जब आप यूज़ कर रहे हो तो इसको ऐसे नहीं रखना है, ठीक है, इसको खुला छोड़ दो आप, इसको आप क्या करो, इसको खुला छोड़ दो। अगर ऐसा रखेंगे आप, देखिए ऐसा आपको रखना है, ये वायर को जो है ऐसे रखना है, और जो पावर केबल होती है यहाँ पे डाल के आपको, और पावर केबल सबसे बढ़िया, मैं आपको एक अच्छी चीज़ बताने वाला हूँ कि जो ये एडाप्टर को जो आपका पावर केबल है, ये पावर केबल अच्छा होना चाहिए। अगर आपको लगे कभी कि इसमें स्पार्किंग हो रहा है, यहाँ पे आपको स्पार्किंग दिखाई दे रहा है, तो आप वो मतलब जो पावर कॉर्ड होती है उसे आप रिप्लेस करवा दो, क्योंकि वो पावर कॉर्ड आपकी इस एडाप्टर को जला भी सकती है, ठीक है। मतलब ऐसे बहुत सारे एग्जांपल्स मेरे सामने आए हैं, इसीलिए मैं आपको बता रहा हूँ कि आपको क्या करना है, ये केबल रिप्लेस करना है, या अगर आपको ऐसे लगा कि लगे कि यहाँ पे स्पार्किंग हो रही है। तो स्पार्किंग क्यों होती है, देखिए स्पार्किंग क्यों होती है, ये जो इसका जो ये फीमेल ये सॉकेट है, ठीक है, इसमें हम जब पावर वो पावर कोड लगाते तो हो जाता है कभी कभी कि इसका जो जो साइज है वो कम ज़्यादा हो सकता है। मतलब लोकल पावर कॉर्ड अगर आप लगाते हो तो वो इधर हिलता भी है, तो उसका कारण क्या है कि वो साइज इसका मैच नहीं होता है, ठीक है, वो अच्छे से वो इसके अंदर वो फिक्स नहीं हो रहा है, तो इसके वजह से भी वो मतलब वहाँ पे बर्निंग हो सकती है, वहाँ पे स्पार्किंग हो सकती है, ठीक है, ये चीज़ आपको
ध्यान में रखनी है। और दूसरी बात, जब आप चार्जिंग को यहाँ पे लगाते हैं, ये पिन जब आप लैपटॉप को चार्जिंग पे लगाते हैं, तो चार्जिंग के लगाने के बाद ये पिन को ऐसे नहीं होना चाहिए। मतलब ये ऐसे, कभी कुछ लोग क्या कर देते हैं, ऐसे कर देते हैं, इसको ऐसे नहीं करना है, ठीक है, इसको ऐसे ही सीधे ऐसे रखेंगे, उसको खुला छोड़ दो, ऐसे खुला छोड़ दो तो इसका लाइफ बढ़ेगा बढ़ेगा, ठीक है। अगर आप ऐसे करते हैं, मतलब ऐसे करना क्यों पड़ता है, क्योंकि ये जो होता है बहुत लोगों का प्रॉब्लम क्या होती है कि ये मतलब यहाँ पे वो पैक रहता है और ये थोड़ा यूज करने में करने के लिए कम होता है, तो ये ऐसे मुड़ जाता है, यहाँ पे जगह पे क्या होता है, ये मुड़ जाता है, ठीक है। तो मैं आपको सजेस्ट करूँगा कि ये केबल जो है, इस केबल को आप ऐसे पूरा खुला छोड़ दो, तभी ये आपका सेफ रहेगा यहाँ पे, क्योंकि बहुत सारे लोगों का लैपटॉप एडाप्टर यहाँ पे खराब हो जाता है। ये जो है ना, यहाँ पे ये पॉइंट होता है, क्योंकि ये मैं खुद अपने वर्कशॉप में मैं रिपेयर करता हूँ एडाप्टर, तो बहुत सारे प्रॉब्लम मैंने ऐसे देखी कि यहाँ पे वो खराब हो जाता है, या फिर यहाँ पर भी वो खराब हो जाता है, ठीक है। मतलब यहाँ से लेके यहाँ तक ये खराब होता है। इसका कारण क्या होता है, यही होता है कि हम इसको, ये केबल को खुला नहीं छोड़ते, इसका यही रीजन है, ठीक है। तो आपको क्या करना है, ध्यान में रखना है कि एडाप्टर जो होता है, ये एडाप्टर को आपको, इस वायर को आपको खुला छोड़ देना है, उसको मतलब कंफर्ट है, उसको कंफर्टेबल रखना है, तभी ये वायर आपका सेफ रहेगा, ठीक है। उसके बाद बहुत सारे प्रॉब्लम्स मैंने ऐसे भी देखे, जैसे डेल का एडाप्टर हो गया, उसमें क्या होता है, देखिए ये जो वायर जो होती है, इसको ऐसे घुमाया, मतलब घुमाई हुई ऐसे वायर रहती है, ऐसे 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 करके उसको वो ऑटोमेटिकली वो हो जाता है वो, ठीक है। तो ऐसे नहीं करना है कभी भी। अगर आपके पास अभी लैपटॉप अडैप्टर है, उसको देखो आप, वो ऐसे नहीं, एकदम सिंपल उसको मतलब खुला छोड़ दो, एकदम कंफर्टेबल छोड़ दो, ठीक है। क्योंकि वो घूम जाता है तो भी अंदर से, बाहर से दिखाई नहीं देता, लेकिन अंदर से वायर वो टूट जाता है, वो समझ भी नहीं था, लेकिन अंदर से वो टूट जाता है, ठीक है। इसके वजह से आपका अडैप्टर काम नहीं करता है, मतलब यहां तक देखो, यहां तक वो अडैप्टर सेफ रहता है, अच्छा रहता है, लेकिन यहां से लेके यहां तक कहीं भी अंदर से वो वायर टूट सकता है, अगर हम उसे ऐसे कैसे भी घुमा के छोड़ दे या फिर ऐसे बांध के रखे, तो ऐसे नहीं करना है आपको। यहां से लेकर यहां तक पूरा कंपैटिबल उसको छोड़ दो, मतलब एकदम फ्री छोड़ दो उसको, कहीं भी उसको बांधो मत, ठीक है। हाँ, और दूसरा पॉइंट जो है, यहाँ पर भी वो बहुत समय वो खराब हो जाता है, तो इसका कारण यही होता है कि हम इसे अंदर से बांध देते हैं और फिर यहाँ पे उसको ऐसे घुमा देते हैं, तो ये घुमाना मतलब यहाँ पे इसे खराब करना है, ठीक है। तो ये चीज भी आपको ध्यान में रखनी है, ओके। तो यहाँ पे ऐसे घुमाना नहीं है बिल्कुल। कुछ लोग क्या करते हैं, ऐसे भी करते हैं कि ऐसे मतलब उसको ऐसे मोड़ के यहाँ पे बांध देंगे, यहाँ पे बांध देंगे, यहाँ पे इसको बांध देंगे, तो इससे भी क्या होगा कि ये पॉइंट जो है आपका, ये कुछ दिनों बाद खराब होने वाला ही है, ठीक है। तो इसको बिल्कुल आपको ऐसे नहीं करना है, ये चीज आपको ध्यान में रखनी है, इसको खुला छोड़ देना है, एकदम ऐसे ऐसे रखना है, ऐसे रखेंगे तभी ये इसका लाइफ बढ़ेगा, नहीं तो इसका लाइफ कम होने वाला है, ठीक है। तो मैक्सिमम प्रॉब्लम होती है एडाप्टर में क्या, जैसे पावर केबल यहाँ पे लगा दिया, तो मैक्सिमम प्रॉब्लम होती है पावर केबल में भी, ठीक है। सबसे पहले अपना पावर केबल का आप चेक करवा लीजिए कंटिन्यूटी टेस्टर से, वो पावर केबल आपको चेक करना जरूरी है, ठीक है। उसके बाद अगर इस पावर एडाप्टर को यहाँ पे एलईडी, अगर आपको वहाँ पे एलईडी है तो एलईडी ग्लो होता है या नहीं होता है, ये भी आपको एक बार चेक करना है, ठीक है। देखिए अभी कभी कभी क्या होता है, मैंने जैसे बोला ये वायर अगर कहीं भी अगर ये खराब हो जाए, ठीक है। खराब होना मतलब क्या, खराब होना मतलब अब इसमें से दो वायर निकलती है, एक नेगेटिव एक पॉजिटिव, ठीक है, एक पावर सप्लाई एक ग्राउंड। तो उसमें होता क्या है, एक तो वो दोनों वायर कट हो जाती है, या फिर दोनों में से कोई एक वायर कट हो जाती है, ठीक है। वायर अगर कट हो जाए तो ये आपका एलईडी ग्लो करेगा, ठीक है, दोनों कट हो जाए तो भी ग्लो करेगा, लेकिन
ये दोनों वायर अगर शॉर्ट हो जाए, एक दूसरे से शॉर्ट हो जाए, तो ये आपका एलईडी ग्लो नहीं कर सकता है। ठीक है, इसमें अगर ये शॉर्टिंग, मतलब ये शॉर्टिंग यहाँ पे हो गई हो और आपने पावर केबल उसको लगा दिया हो, शुरू कर दिया हो, तो एक 15-20 सेकेंड 1 मिनट तक ये आपका ग्लो नहीं करेगा, या फिर ऐसा ब्लिंकिंग करेगा। ठीक है, बंद चलो ओके, वो ब्लिंक करेगा, और उससे ज़्यादा समय अगर वो वैसे ही रहता है तो इसके अंदर के जो भी कंपाउंड से वो जल भी सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे शॉर्टिंग हो गई है, तो ये आपके कंपाउंड्स जल भी सकते हैं। ठीक है, तो ये भी अडैप्टर जलने का बहुत कारण होता है। ठीक है, अगर आगे कोई भी यहाँ पे नेगेटिव पॉजिटिव अगर एक हो जाए तो भी आपका अडैप्टर जल सकता है। देखिए, कभी भी ध्यान में रखें, अगर आपका जो एलईडी है यहाँ पे वो रेड में आता हो, ब्लू आता हो, ग्रीन आता हो, ठीक है, वो अगर ब्लिंक करे, इसका मतलब क्या का आप जो आपका आउटपुट सप्लाई है नेगेटिव पॉजिटिव, वो क्या हो गया है, शॉर्ट हो गया है, ये आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, उसके बाद ब्लिंक अगर करता है तो कोई अंदर अंदर भी जो भी, मतलब आपका मॉस्फेट हो या फिर आपका पावर रेगुलेटर हो या फिर आपका कोई कंपोनेंट हो, अगर वो शॉर्ट हो गया है नेगेटिव या पॉजिटिव एक दूसरे के साथ, वो शॉर्ट हो गया, तब भी आपका ये एलईडी ग्लो करता है। अगर वो ब्लिंक करता है, तो आप तुरंत उसे बंद कर दे और किसी अच्छे टेक्नीशियन के पास लेके जाए उसे दिखाने, तो शायद आपका अडेप्टर बच सकता है। ठीक है, तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो, तो प्लीज़ इसे शेयर करें ताकि आप ये जानकारी बहुत सारे लोगों तक पहुँच जाए, और इस चैनल को लाइक करें, इस वीडियो को लाइक करें और हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर आप सब्सक्राइब करते हैं तो आपको हमारे जो आने वाले नए लेक्चर से वो आपको आपके ईमेल के थ्रू मिलते रहेंगे। तो देखते रहिए हिट शॉर्ट फिल्म्स। थैंक यू।